हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजीव सोनी, आई एम फ्रॉम आरजी इंटरनेशनल। दोस्तों, आज हमारे पास बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। यस माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों जो भी बच्चे हमारे जो भी स्टूडेंट्स आज फिनलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी स्टूडेंट्स अगस्त 2022 इंटेक में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, हमारा एक वीडियो हमने 3 हफ्ते पहले शेयर किया था यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमने दिखाया था कि बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ आ सकती है। जो बातें चल रही थी गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में कि कुछ नए अपडेट्स आने वाले हैं फिनलैंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, तो कल तारीख 13 अप्रैल 2022 को ये नए ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि डेफिनेटली कौन से नए रूल्स है, कौन से नए अपडेट्स है, बट डेफिनेटली मैं आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी तक जितने भी बच्चे और उनके डिपेंडेंट्स, जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे थे प्रिंसिपल एप्लीकेंट पे और उनके डिपेंडेंट्स, उनके स्पाउस, उनके बच्चे जो भी अप्लाई कर रहे थे, उन लोगों को जो रेसिडेंस परमिट फिनलैंड से आता था उसका जो टाइप होता था वो टाइप होता था बी। बी में रूल्स अलग थे। आपको जब पीआर अप्लाई करना होता था तो आपका जो टाइप ए वीज़ा होता था वो ही कंसिडर होता था। उस पर आपको 4 साल का स्टे कंटिन्यू वहाँ पे रहना पड़ता था, उसके बाद ही आपको वो स्टे आप कंटिन्यू कर पाके आप पीआर के लिए एलिजिबल होते थे। बट दोस्तों, अभी का नया रूल ये है कि अभी जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे अपने रेसिडेंस परमिट के लिए, उनका जो रेसिडेंस परमिट आएगा वो यहीं से टाइप ए आएगा। जी हाँ, टाइप ए यहीं से मिलेगा। स्टूडेंट्स को, उनके स्पाउस को, उनके डिपेंडेंट जो भी बच्चे रहेंगे, सबको टाइप ए वीज़ा मिलेगा। टाइप ए का सबसे बड़ा फायदा, बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप अपना 4 साल का पढ़ाई, अपना 4 साल कंटिन्यूस 4 ईयर्स आप फिनलैंड में स्पेंड करते हो तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो सीधा परमानेंट रेसिडेंसी के लिए, और आपको परमानेंट रेसिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, तो जो भी बच्चे आज फिनलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी जब उनका वीज़ा एक्सटेंशन आएगा तो डेफिनेटली उनका आने वाला जो रेसिडेंट नया परमिट होगा वो टाइप ए ही होगा, तो उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स और स्पाउस और डिपेंडेंट के लिए है। दोस्तों, दूसरा बेनिफिट ये है कि जो भी बच्चे अभी ये साल से रेसिडेंस परमिट अप्लाई करेंगे, तो पहले ऐसा था कि आप 6,720 यूरो आप एक साल का अपना लिविंग कॉस्ट आप बैंक में दिखाते थे और उसके सामने आपको एक साल का आपको वीजा मिलता था। अगर आप 2 साल का दिखाते थे अपना लिविंग कॉस्ट तो आपको 2 साल का आपको स्टूडेंट वीजा मिलता था, अप टू 2 ईयर्स ही आप अप्लाई कर पाते थे। बट दोस्तों, अभी के नए रूल्स के हिसाब से आपका कोर्स ड्यूरेशन जितना भी रहेगा उतने टाइम का आपका रेसिडेंस परमिट आएगा, आपका भी आएगा, आपके स्पाउस का भी आएगा, आपके बच्चों का भी आएगा जो आपके डिपेंडेंट्स हैं। तो ये सबसे बेहतरीन खुशखबरी है सबके लिए दोस्तों, कि अभी जो बच्चे आप बैचलर्स प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं 3.5 साल के लिए, उनको हर एक एक साल के बाद वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ता था, तो वो दिक्कत अभी नहीं रहेगी। दोस्तों, आपको सीधा आप 3.5 साल का वीज़ा आपको यहीं से मिलेगा, उसके बाद अप टू 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अवेलेबल है। जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट होते हैं फिनलैंड में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द परमानेंट रेसिडेंसी। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मेरे पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है, जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन हमने ली है, ये वीडियो में हमने दिखाई है, तो आप वो वेबसाइट भी विजिट करके आप देख सकते हो। बट ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे 13 अप्रैल 2022 को आई है, तो ये अभी मतलब ये सारे नए रूल्स अप्लाई हो चुके हैं। तो आने वाले वीज़ा एक्सटेंशन, वीज़ा एप्लीकेशंस नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगी। दोस्तों, हमारी एक रिक्वेस्ट है, आपका सपोर्ट बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के साथ जो फिनलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, और जो भी आपके दोस्त फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं फिनलैंड के लिए, सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो, एंड ऐसे ही मोटिवेट हमको करते रहिए, तो हम नए नए जो भी अपडेट्स आए, जो भी इन्फॉर्मेशन आए, वी वुड लव टू शेयर विथ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल एंड विल कीप यू पोस्टेड फॉर ऑल न्यू अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।